महिला को अपनी मर्जी से शादी करना पड़ा भारी, 7 साल बाद पति छोड़कर हुआ फरार। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास एक महिला काफी लाचार और रोती बिलखती नजर आई। उसके हाथ में एक फोटो था जिसे लेकर वो दर बदर भटक रही थी। बेगूसराय की मीनू देवी ने नीतीश कुमार नाम के युवक से प्रेम विवाह 7 वर्ष पहले किया था, जिसमें परिवार वालों की नाराजगी थी। बावजूद उसके दोनों एक साथ 7 साल से रह रहे थे, लेकिन अचानक कुछ दिन से उनके पति का फोन बंद आ रहा है और वो काफी परेशान है, जिसको लेकर वो काफी घबराई हुई दिखी। और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पति के नानी का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनके माँ का देहांत हो गया है, जिसको लेकर वो अपने घर निकले, लेकिन वापस मेरे पास अभी तक नहीं आए। जब मैं पता लगाना शुरू की तो पता चला कि पति को मेरे से अलग करने की साजिश थी, जिसको लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंची हूं। साथ ही लाचार व बेबस बेगूसराय के रहने वाली मीनू देवी ने बताया कि मेरे पति से मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। अब हमने एक दूसरे के साथ 7 साल बिताया। उनकी नानी का कहना है कि मेरे पति की शादी वो कहीं और कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे पूरा जीवन निर्वाह करूँगी। नानी फोन करा कि मेरा मम्मी मर गया। भागलपुर क्यों आए हैं? हम आए यहाँ न्याय मांगने, मेरा पति मेरा पति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके परिवार वाला हमें नहीं चाहता है। पति कहाँ चला गया आपका? वो गया है साहेबगंज झारखंड अपने नानी के पास, उसके नानी फोन छीन लिया है, कह रहा दूसरा शादी कराएंगे, हम नहीं रखेंगे। मेरा पति तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम आए यहाँ भागलपुर। किसके पास? कैस्टिक पास। कहला न्याय मांगने, अपने पति को ढूंढने। क्या नाम हुआ आपका? मीनू देवी। कहाँ की रहने वाली है? बेगूसराय। कब शादी हुई? हो गया 7 साल हो गया। क्या किसके बीच अनबन हुआ है? कौन नहीं रहता? उसकी नानी है, उसकी मौसी और मम्मी, ये तीन के बीच हमारे विवाद चलता है। तीन बार आए तो वो चला आया। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे।